वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में महानगर के सभी चौकी प्रभारियों की बैठक पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में होली पर्व, लोकसभा चुनाव तथा अपराध की समीक्षा की गई। इस दौरान एसएसपी ने अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने सहित होली पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी ने जमानत पर छूटे अपराधियों, बदमाशों तथा हिस्ट्री शीटरों की सूची को समय अनुसार चिन्हित करके उन पर निगरानी रखने और चौकी प्रभारियों से चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया। एसएसपी ने निर्देश दिए कि अवैध कच्ची शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करें, जिससे त्यौहार और चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। तो ऊपर से जो फरमान है, लेकिन मेरा फरमान है कि अगर मैं जांच करूंगा, अगर वहां के अधिकारी या आपके हवलदार सिपाही को गुलवस पाया गया या आप में से कहीं किसी थाने चौकी को, तो मैं एफआईआर दूंगा। अगर जान गई तो 304 की एफआईआर आपकी भी लगेगी, क्योंकि कहते कहते मुंह थक गए, साथ मर गए थे। दारू के बारे में नॉलेज ले लीजिए। कच्ची शराब और अवैध शराब दो तरह की चीज होती है। कच्ची शराब भट्टी में बनती है, आपको पता है, पुराने लोगों से पूछ लीजिए। और अवैध शराब जो है केमिकल बना करके बनती है, मिथाइल आइसोसाइनेट से। कच्ची शराब धीरे धीरे असर करती है और मिथाइल सीधे असर कर देता है, जिगर खराब हो जाता है, हार्ट बीट बंद होने लगती है। कहाँ से आया भाई? है?